हाय गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे आप सबको पता है कि मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई हूँ और मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ रूम शेयर कर रही हूँ, तो हमारे पास वैसे ज़्यादा वक्त नहीं होता कुछ करने को, पर संडे एक दिन ऐसा होता है जब हम कुछ एंजॉय कर सकते हैं। तो आज मैंने सोचा व्लॉग बनाती हूँ। मैंने एक मसाज बुक किया, उसका उनका वेट कर रही हूँ मैं। हाँ 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 क्या मज़ा आने वाला है, पर अभी तक नहीं आ रहे हैं। बाहर ना बहुत सारे साइकिल पड़े होते हैं हर जगह। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर इस पे लॉक नहीं लगा होता मैं रात को चला, मजाक क्या, नहीं चलाती, मेरा मन करता है चलाने का पर चलाती नहीं। ना गिलहरी ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मैंने कहीं टिकटॉक में या इंस्टा में कहीं पे देखा था कि अगर आप गिलहरी के सामने हाथ को ऐसे ऐसे करो ना तो गिलहरी आपके पास आती है। मैं वो ट्राई करना चाहती हूँ। ये तो नहीं है यही, मतलब बहुत सारे होते हैं यहाँ पे वैसे। आज पता नहीं क्यों नहीं है। और देखो गिलहरी, वो देख भी नहीं रही है। गिलहरी गिलहरी इधर देखो। हाय, वो अभी वहाँ से आ रही है। नहीं आ रहे यार, मेरा हाथ ही दुख गया। एक तो देखा। और वो दोनों अब बहुत भाग के चले गए, खेल रहे। मैं इनको बुलाती हूँ। मुझे लगता है कि फॉरेन गिलहरी और इंडियन गिलहरी अलग होते होंगे, ये इस तरह आएंगे। वो फॉरेनर थे जिन्होंने सिखाया था, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक घंटे से नाच रही हूँ इधर पागलों की जैसे, पता नहीं कौन देख रहा होगा मुझे। और मैंने ना आज तक इतना बड़ा पीपल का पेड़ नहीं देखा। देखो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स फ्लोर तक है, और ये उससे भी ऊंचा है। हाय इलियास, मसाज वाला को रुक रहा है, मसाज वाला का वेट करते 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 करते। तो तुम हमको हम मेरा बिना रह नहीं पाया है। टॉवल ना, ठीक है। मसाज ना मुसाके क्या होता है? मुसके मुस पोच के। हम अरुणाचल हिंदी बोल रहे, तुम क्या, तुम बिहारी हिंदी है क्या? तुम क्या हो गया? तो हम तुमको क्या बोल रहे हैं, रेसिस्ट है हम तुमको, सिर्फ बोलते हैं बिहारी तो नहीं, तुम बंगाली है। प्राइमर कहाँ है? अरे मजा, ये प्राइमर तो एक्चुअली एक ट्रे होना चाहिए, लेकिन ट्रे नहीं है मेरे पास, तो हम ना हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये फाउंडेशन मेरा कलर, स्किन कलर है? नहीं, मेरा वाला। हाँ लेकिन मैं छे ना, ये वाला कलर सबको मैं ब्लेंड किया, ये हमको सूट कर रहा है। हम बोला था तुमको, तेरा वाला तुमको काला दिखाता है पूरा, एक शेड डार्क है, ये तो लाइट है, तो थोड़ा स्किन को और ज्यादा एनहांस कर देता है। एक बात पूछेगा, मेरा चेहरा बहुत बड़ा है क्या? नहीं असली का, तेरे बदन के कंपेयर में तेरा चेहरा बहुत। सुन ना, पता क्या रही है, तेरे तो रेसिस्ट बिहारी बिहारी बोले, इसका बॉडी शेमिंग कर रहा है। आई हमसे तुमको करता है यार, ऐसा नहीं है। इसका बात, इसका बात काला सफेद सब तुम बोल दिया इस वीडियो में। पता है कि अभी कैसा लग रहा है? वो जामुंडा दिखा है जजंतरम ममंतरम का, सुंदर नहीं लग रहा है? बोलो तो। हाँ लग तो रहा नहीं यार सुंदर। ठीक है, थैंक यू। दो घंटा हो गया ऐसे बैठ के। दो घंटा तो नहीं हुआ होगा, एक ज़्यादा। ये लो, हम रेलिस जा रहे हैं गुड़गांव, पहले तो ऑटो ढूंढ रहे हैं यहाँ पे हम। अभी हम लोग पहले जा रहे हैं एरो सिटी मेट्रो स्टेशन। तो हमारा हो गया है प्लेन चेंज, हमें मेट्रो का नहीं पता था, तो हमने किसी से पूछा कि कैसे जाना है, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप बाहर निकलो और ऑटो लो और सीधा ऑटो से जाओ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम अब सीरी चल रहे हैं टिक टॉक। तो कार्ट का अब कोई काम नहीं है, तो इसको डाल दो अपने पिछड़ों के बैग के। हम लोग यहाँ मॉल में आइस स्केटिंग करने आए हैं। वैसे हमें आता नहीं है करना। मुझे आता है। नहीं आता, हम दोनों को ही नहीं आता, पर ऐसे ही मतलब ट्राई करने का मन था। तो हम दोनों ने पैंट पहना है ताकि हम लोग गिरे तो थोड़ा कंफर्टेबल से गिरे। लेवल 6 इज हियर आइस के ISKATE इस कार्ते। हेलो, वे टू ओपन आवर शूज। ओके, यहाँ पे शू खाली करेंगे हम, मतलब खोलेंगे। ये सॉक्स लेना पड़ा क्योंकि हमारे पास छोटे सॉक्स है, तो एटलीस्ट यहाँ तक लंबा वाला सॉक्स चाहिए। तो हमने ये सॉक्स 90 रुपीज़ में लिया और ये 760 रुपीज़ का एक घंटे का। ये
कहाँ पे नहीं पता नहीं, स्टार्ट कर दिया। लेकिन हमें इतना ठंडा है ये जगह, हमें सुसू आ रही है, तो हम लोग सुसू करने जाएंगे पहले। चप्पल नहीं पहन के जाएंगे क्या? पाँव धो लेगा। हमको लगता है कि ये वॉशरूम का ये फ्लोर भी ऐसा ही होगा। हम लोग कभी स्केटिंग नहीं किया है और आइस स्केटिंग करने आए। पहले स्केटिंग तो सीख लिया था जिंदगी में ना, इसके बाद आइस स्केटिंग। आइस स्केटिंग हाँ, तो सबको स्केटिंग आता है यार। शिट, हम लोग क्या करेगा? नहीं हो रही जाने, इतना स्लिपरी है, कुछ ज्यादा ही स्लिपरी है। मैं बाहर ही खड़ी हूँ। खत्म हो गया और अब ये इसकी सफाई हो रही है। ये जितना दिखता है उससे भी बहुत 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 ज़्यादा टफ है। फिर हम लोग गुड़गांव में साइबर हब नाम का एक जगह है जहाँ पे मैं कभी नहीं गई थी, पर एलिस वहाँ जा चुकी है पहले, तो उसने बोला कि वहाँ पे हम जाके प्री बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं क्योंकि एलिस का बर्थडे आने वाला है। तो हम लोग वहाँ पर गए इम्परफेक्टो। वैसे तो वहाँ पे बहुत सारे क्लब्स हैं और सब सुबह के 3-4 बजे तक खुले रहते हैं। बाकी जगह पे शायद दिल्ली में 12-1 बजे तक बंद हो जाता है, पर साइबर हब में 3-4 बजे तक भी खुला रहता है। तो हम लोग वहाँ पे एलिस का प्री बर्थडे सेलिब्रेट करने गए, बस हम दोनों ही थे, वैसे कोई फ्रेंड्स तो है नहीं हमारे। और हमने बहुत सारा खाना भी ऑर्डर किया। यहाँ को न्यू फ्रेंड्स मिल गए। गुड नाइट। किसका पूछूंगी ये पुचुंग पुचुंग। हिके पुलुंग हिके पुचुंग अन्यांग अन्यांग। शो के मिला पाओ में जाना पड़ेगा हमको, हमको जाना पड़ेगा ना। मैं बहुत थक चुकी हूँ, मेरी आँखें भी लाल लाल हो गई है पानी नहाने के बाद, बहुत नींद भी आ रही है। अभी आँखें नहा धो के सो टायर्ड, वो क्या बोलते हैं आइस स्केटिंग करके इतना थक गए ना, मतलब क्योंकि आइस स्केटिंग जब कर रहे थे तो हमें तो आता नहीं, तो हम लोग साइड में जो वॉल होता है उसका सपोर्ट लेके कर रहे थे, तो पूरा बॉडी का वेट मेरे आर्म्स पे था क्योंकि इससे ऐसे पकड़ के 1 घंटा पूरा कंटिन्यू। तो इसलिए अभी मुझे ये बहुत दुख रहा है अभी, और नहाए तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, थक भी गए। एलिस नहा रही है अभी, मैंने नहा लिया। और क्या बोलना था, और वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़ और कमेंट कीजिए प्लीज़, बहुत दिनों से आप लोगों से बात नहीं हुई, कमेंट कीजिए। और अच्छा, मेरे पास 2 वीडियो आइडियाज़ थे। पहला तो ये था कि मैं सोची थी कि मैं हाउस टूर करूँ, ठीक है। मैंने बहुत मुश्किल से एलिस और मैंने बहुत प्यार से मुश्किल से घर सजाया है, तो मैं सोची थी कि पहले तो हाउस टूर करूँ पहला। और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं कुछ डेट का वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं कि आप मेरे साथ डेट पे चलोगे क्या। तो मैं सोची थी कि क्या मैं डेट पे जाके वीडियो बनाऊँ या हाउस टूर। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप लोग सजेस्ट करो कि मैं क्या करूँ, ठीक है। मैं आप लोगों से मिलूँगी अपने अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट।